मैं बचपन में ही विधवा हो गई थी, फिर भी मैं दो रास्ते से बहुत शांति से जीती हूँ, एक सत्संग, दूसरा दीनहीनों की सेवा, यही जीवन में मेरे है और कुछ नहीं है। तो कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? पतिदेव मेरा मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा। हाँ, पति का मुंह भी नहीं देखे। आपने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा? नहीं देखे, 5 साल की थी, 5 साल की कैसे देख, उसके बाद डेथ कर गए, हम मायके ही रह गई। अच्छा। क्या पढ़ लिख करके अपना भाई सब पढ़ा दिए, हम पढ़ करके। तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। ससुराल नहीं गए, देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि मेरे जीवन में नहीं कुछ है, जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे, और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, ये सती स्त्रियाँ हैं। देखो, सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, लेकिन जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यही है, ये नारियाँ पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। यही है भारत का गौरव, यही है भारत, जहाँ संयम है, जहाँ धैर्य है, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है। ये किसी साधु, किसी संत, किसी सन्यासी से कम नहीं है, ये तपस्या है। हम सत्संग से जो जुड़ गई ना, इसीलिए कहीं किस पर ध्यान नहीं गया गुरुजी जी मैया। और जो भी आए मेरे जीवन में, दुखी दीन दुखी, अब टीचर थी, रिटायर हो गई हूँ। अच्छा। 11 ईस्वी में तो पैसा था, हमको पैसा जो भाई जी दे देते, जब मैं अपने खर्च के लिए रखती, उसी से मैं दान और दीन होना की सेवा की हूँ जीवन में, और बहुत बड़ी शांति मुझे मिलती है। भागवत कथा से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला था, और इतना मिला था हमको सुख भागवत कथा से, जिसके चलते लॉकडाउन जो लगा, आपका अचानक खोले, आपका दर्शन हो गया, मैं उसी दिन से इतना लग्न में हूँ कि आपसे के द्वारा मुझे बहुत बड़ी जो अधूरी थी मेरी शिक्षा सत्संग से वो पूरी हो, और पूजा पाठ में इतना मुझे लगन है, तो उसका हम वर्णन करेंगे, हम क्या करेंगे। अब जहाँ सत्संग होता था वहाँ चली जाती थी, बहुत दूर दूर, रात में होती थी, सुन करके चली आती थी, सुबह स्कूल जाती थी। अब तो मैं घर में रहती हूँ, वहाँ की उम्र तो गिर गया, 75 साल की हूँ, और लगता है कहाँ जाएंगे अब सत्संग सुनने। आपका जो टीवी पर खोल कर डेली, कुछ नहीं हमको कुछ है, आप जो एक कथा आपका कथा सुनती हूँ, और जो आप बताए हैं उस मार्ग पर चलती हूँ, पूजा पाठ जितना विधि विधान है वही हम करती हूँ। मुझे जीवन में बहुत बड़ा सुख है, दुखी मैं नहीं हूँ, कम विधवा हूँ, और कम कोई चाह, मुझे कुछ चाह नहीं हुआ जीवन में। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या आपकी सेवा करूँ, कोई आप जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी सेवा करूँ। सेवा तो यही आशीर्वाद दीजिए, इसी लगन से मेरा आशीर्वाद तो आप दीजिए मेरी माँ, उसी लगन से हम चले जाएं। और अभी जो आई हूँ, इतना मैंने आपने अपना लोक और अपना परलोक दोनों तैयार कर लिया, यहाँ आई जो हूँ आपसे मैं करवाने के लिए, गोदानी जीवित में ही कर लेंगे, मरने के बाद कौन भतीजा करेगा, ससुराल नहीं गए, इतना नैहर में रह करके, बच्चे भाभी मर गई तो बच्चे 3 थे, उसको पालन पोषण करके शादी ब्याह कर दिए, 2 बहू है, और वही हमारा देख रेख करती है। मरने के बाद ये जो हम किए अभी 3 जग, ये हम अपना पैसा से किए, और भाई भाई किसी को नहीं मांगे, भौजाई तो है ये नहीं है, हमें तीनों बच्चों पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को सौंप दीजिएगा, बस सौंप दिए आपके कथा से, तो इतना मैं प्रभावित हुई हूँ उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, और जब तक जीवन में रहूंगी तब तक आपकी कथा छोड़ूंगी नहीं, यही मेरा ध्येय है, मेरा विश्वास है, आत्मविश्वास। जी जी मैं, आप खुश रहें, सदा सुखी रहें, और आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहें, कितना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप हैं, हम आपका कथा सुनते हैं तो लगता है और कुछ, कितना रोते हैं हम आपकी कथा से, वर्णन से, गाना से, भजन से, उसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत रोते हैं बैठ के,